खिचड़ी मूवी है, नथिंग नथिंग। एवरेज यार, सब कुछ एवरेज है इस पिक्चर में। गुड गुड के लिए क्या? इमेज के लिए ठीक ठाक है, बट हनी सिंह ज्यादा गुड। डायलॉग, डायलॉग बहुत अच्छे। ओके, अच्छी लगी मेरे को इंग्लिश में, अच्छा लगा हनी सिंह, अच्छा लगा जो सब अच्छे लगे। दर्द दिलों गाने अच्छे, तो वो इंग्लिश में का जो गाना डायलॉग है वो खून से मैं डरने लगता जितना रवि कुमार एक बार में मुझे देता, ऐसा कुछ गिरा रखा है। अच्छा लगा, ठीक लगी यार। 3 घंटे भी मुझे नहीं लगता, बट जो भी उसका टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से एंटरटेनमेंट अच्छा है। और इंटरवल के बाद की कहानी बड़ी खूबसूरत है, और सबका काम अपने हिसाब से अपने स्टाइल में अच्छा है। और इसका काम हिमेश रेशमिया का बारे से काफ़ी चेंज है, और थोड़ा ठीक लगता है। क्या कुछ 60s की याद दिलाई है आपको, कुछ ऐसा बहुत? हाँ, याद तो वो स्टाइल है बनाने की, बट ऐसा याद वाली ऐसी कोई बात नहीं है। दैट्स ऑल मॉडर्नाइज, बट वो उस तरीके से उन्होंने पेश किया है एज ए एंटरटेनमेंट तरीके से, बट काम हमेश रेशमिया का पारिश है। डायलॉग्स के लिए क्या? हाँ, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत डायलॉग्स हैं, और डायलॉग्स में कोई कॉपी नहीं लगती है, डायलॉग्स फ्रेश लिखे गए हैं। और काफ़ी फिल्मों से, काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, कोई डायलॉग्स ऐसा कुछ मिला नहीं, तो पहली बार डायलॉग्स जो अभी चल रहा है। अगर बात की जाए बाकी कलाकारों की, तो उनके बारे में, जोया अफरोज लाइक जो भी है, बट सब ने अपने अपने सबसे अच्छा काम किया। हनी सिंह तो यार वो नाम सही है, हनी, तो उसका उसकी स्टाइल से अच्छा काम। 4 मैक्सिमम। द मूवी वाज ग्रेट, हनी सिंह एंड हिमेश रेशमिया डिड वेल इन देयर फर्स्ट मूवी। एक्चुअली दे बोथ आर सिंगर्स, बट दे डिड वेल एक्टिंग इन देयर फर्स्ट मूवी। डायलॉग्स, देयर आर नॉट मेनी डायलॉग्स एक्चुअली। हनी सिंह हिमेश रेशमिया टोल्ड वन डायलॉग, जहाँ से मैं चलता हूँ वहाँ से रास्ता शुरू हो जाता है। एनी सॉन्ग यू लाइक? या आई लाइक दैट आइसक्रीम खाओगे, इट वाज ग्रेट। फ्रॉम 5 आई विल गिव 3.5 स्टार। लाइक इट। What about he was good, better than the ones he has already done in the movies. Any dialogues you remember? I don't remember the exact wordings actually. But how about the dialogues? Dialogues are quite good. It's like this, the stylish, and the way Himesh Rishim has spoken with the attitude, I like that quite good. How about the songs? Songs, yeah, I liked Dard Diloke and Hai Apna Dilawara, and Hani Singh was as always amazing. And new girls, how about that? Yeah, they both were really good. The acting wise, they both were really good. 2.5. चलो, मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, जो लास्ट जो गाना है ना वो बीच में आना चाहिए। एक्चुअली दैट सॉन्ग इज द सुपर सॉन्ग। वो लास्ट, हाँ, वो आने से पहले सब लोग गए। कौन सा गाना? जो टाइटल सॉन्ग द एक्सपोज, दैट शुड कम इन बिटवीन द फिल्म। परफॉर्मेंस 5 out of 5 फॉर हिमेश जी, 4 out of 5 फॉर हनी सिंह। दोनों एक्ट्रेस एक्ट्रेस वो नए है, लेकिन लगता नहीं है नए है, तो अच्छे का लग रहा है। डायलॉग्स के लिए क्या कहना चाहेंगे हिमेश के? डायलॉग्स का सब सुपर डायलॉग है, वही वो जो आपके शरीर में जितना खून नहीं होता, जो रवि कुमार एक बार मूत नहीं देता। तो 5 में से कितने? 5 में से 5 हिमेश जी को। इट्स एवरेज। हिमेश इज गुड, आई थिंक पीपल शुड वॉच इट फॉर हिमेश रेशमिया। एरा इज रियली गुड, 60s का एरा डिपिक्ट किया है, सो उस वक्त किस तरह के फिल्म सेट्स होते थे, एंड जो उस टाइम कॉम्पिटिशन होता था फिल्म इंडस्ट्री में, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड एक्ट्रेसेस सोनाली एंड अफरोज हैव एक्टेड वेल। हनी सिंह, आई थिंक ही शुड स्टिक टू सिंगिंग, वो इतने इम्प्रेसिव नहीं लगे एक्टिंग में, काफ़ी स्टिफ थे कुछ सीन्स में, बट हिमेश रेशमिया वो जो क्लास डिपिक्ट करनी थी वो बहुत अच्छे से उन्होंने शो किया है, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, टॉप एक्टर थे। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, हाँ, जो भी हिमेश रेशमिया डायलॉग्स बोले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दर्द दिलों के एक सॉन्ग है जो इट्स प्लेड थ्रू आउट द मूवी, वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। 3 क्या मैम? नहीं, पिक्चर इज अ फेक, इट्स अ फेक, यू नो व्हाट्स अ फेक ना, आस्किंग यू टू सी दिस कि ये है, ये वो है ना, द पिक्चर इज गॉट नथिंग लाइक एक्सपोजिंग। आप कह रहे हो कि एक्सपोज द एक्सपोज, 60s का इंडस्ट्री एक्सपोज कर दो, क्या था 60s में यार एक्सपोज करने वाला? बात तो आज वही है, फिल्म इंडस्ट्री है,
हीरो दो हीरो के झगड़े भी होते हैं, दो हीरोइन के झगड़े भी होते हैं, दो प्रोड्यूसरों के भी झगड़े होते हैं। तो हाउ अबाउट द परफॉर्मेंसेस? नहीं नहीं, परफॉर्मेंस कौन है ऐसा, कोई परफॉर्मेंस किसके हिमेश ऐसा ही है हर पिक्चर में, whether it is Kurz or it is what he does, and here he is trying to be much more than what his personality is, which is not believable. He is not Rajkumar, he is not Rajnikant, he is not Amitabh Bachchan. Only thing good is the dialogues of the picture, well written. यानि कोई definitely impact वाला actor होता तो बहुत तालियां पड़ती। They are not bad. Girls are good. Girls are good. Honey Singh is not bad. वैसा वैसा गड़बड़ नहीं है, material ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो फेक है, वो झूठा। उसने उसने ही इज मेड सो मेनी पिक्चर्स लाइक दैट ओनली व्हिच हैव नथिंग टू डू, ही इज नेवर मेड एनी पिक्चर व्हिच हैज एनी इंपैक्ट। समवेयर ही लूजेस हिज, अंदर मटेरियल होना चाहिए ना स्ट्रांग, चाहे कुछ भी हो, बकवास हो, मस्ती वाली पिक्चर हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो तो कन्विक्शन होना चाहिए ना। इसमें तो आप मर्डर मिस्ट्री बना रहे हो, फिल्म एक्सपोज कर रहे हो, 60s दिखा रहे हो, ये 60s के आज की भी कहानी होती तो क्या फर्क। इरफान ने तो नरेट किया ना पिक्चर, इरफान इज नॉट इन द पिक्चर, वेस्टेज। मगर वेस्टेज क्या, वो आके आपको नरेट कर रहा है ना, कहानी बोल रहा है और क्या, दैट्स इट। अरे नो नो, वन स्टार मैक्सिमम और क्या, बिकॉज इट्स अ गुड एफर्ट जो भी है, मेकिंग वेकिंग अच्छी की है। नहीं, यू कॉन्ट ब्लेम हिमेश फॉर दिस, नो नहीं। शायद हिमेश के साथ मैं इतना देख भी लिया, दूसरा होता तो शायद नहीं देखते, वी हैव बीन मोर डिसअपॉइंटेड। हिमेश था तो ठीक था, सो